नाउ अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग के ऊपर जब बात किया जाएगा तो मेजर फोर्सेज इन्वॉल्व इन द फोल्डिंग, फोल्डिंग के प्रोसेस में मेजर फोर्सेज जो होते हैं दे आर द हाइड्रोफोबिक। ध्यान देना, किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को फोल्ड किया जाएगा तो उसमें सबसे प्राइमरली जो इन्वॉल्व होगा दैट इज द हाइड्रोफोबिक। इट इज़ द प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। ये जो है ये डीनेचुरेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अनदर बॉन्ड जो इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोटीन फोल्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक डबल स्टैंड लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सारे के सारे जो होते हैं बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कोई भी प्रोटीन जब फोल्ड होता है तो कोर में ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर पाए जाते हैं। ठीक है, जो नॉन पोलर पाए जाते हैं, जो कि कोर को हम क्या बोलेंगे, दिज आर लाइक बरीड वन। ठीक है, नॉट ऑलवेज बरीड, सेल्डम बरीड होते हैं। सेल्डम का मतलब थोड़ा थोड़ा, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंड इसके अलावा सरफेस के ऊपर बात करें, हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड चार्ज्ड होते हैं। हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड चार्ज्ड, हाइड्रोफिलिक है, पोलर है और चार्ज्ड होता है। कहाँ पे? सरफेस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा एंड वाटर इज जनरली पोलर मॉलिक्यूल, इज जनरली क्या, ये पोलर होता ही है नॉर्मली। प्रोटीन जब फोल्डिंग होती है तो एनर्जी को मिनिमाइज किया जाता है, तो देयर इज एनर्जी प्रोफाइल, टॉप से वो नीचे की तरफ आता हुआ चला जाता है। इंट्रोपी सबसे ऊपर जहाँ पे है, देयर इज अन, यहाँ पे कोई भी अगर एक प्रोटीन पे आ जा रहा है तो दिस पर्टिकुलर प्रोटीन शुड बी अनफोल्डेड, अनफोल्डेड होगा। अगर इस जगह पे कोई प्रोटीन पे आ जा रहा है तो दिस शुड, पर्टिकुलर प्रोटीन शुड बी मोल्टन ग्लोब्यूल, एंड यहाँ पे कोई पे आ जा रहा है तो दिस शुड बी लाइक डिस्क्रीट, एंड यहाँ पे कोई है तो वो हो जाएगा नेटिव स्टेट। तो इसका सीधा सा फंडा होता है UMDNA। ठीक है, तो उर्मिला मातोंडकर का DNA बहुत अच्छा है, यही आपका कोड है UMDNA। उर्मिला मातोंडकर का DNA अच्छा है। ए क्या होगा? ए शुड बी लाइक एमोलॉयड, एमोलॉयड फाइब्रिल्स जो होते हैं नेटिव स्टेट से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो दीज आर द केसेस सेट UMDNA, ये है आपके एनर्जी प्रोफाइल का ऑर्डर, अनफोल्डेड या आपके हाइएस्ट इंट्रॉपी, अनफोल्डेड इसको हम बोल सकते हैं विद द हाइएस्ट एंट्रोपी, इसके पास जो होगा हाइएस्ट एंट्रोपी पाया जाएगा, मोल्टन ग्लोब्यूल, फिर उसके बाद डिस्क्रीट एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दीज आर द केसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। देयर आर सम चैपरॉन्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग। चैपरॉन्स HSP70 फैमिली के हो सकते हैं, HSP60 फैमिली के हो सकते हैं। वेन यू टॉक अबाउट द HSP70 फैमिली तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लाइक 70 फैमिली। अगर ये नॉर्मली ध्यान देने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा है, चैपरॉन अगर यूकैरियोट में है 70 का 70 और 40 होता है, और प्रोकैरियोट में तो K और J होता है। 70 किलो डाल्टन के आसपास होता है, अर्ली स्टेज में बाइंड करता है, 1 ATP रिक्वायर्ड होता है। जबकि 60 देखेंगे तो 60 जो होता है 60 किलो डाल्टन को होता है, लेट स्टेज में बाइंड करता है, इसके पास 2 हेप्टेट रिंग होते हैं। प्रोकैरियोट में 60-10 होते हैं एंड यूकैरियोट में 60-10 होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ग्रो ईएल एंड ग्रो ईएस, ग्रुप लाइक लार्ज प्रोटीन इकोलाई लार्ज प्रोटीन, ग्रुप इकोलाई स्मॉल प्रोटीन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ग्रो ईएल एंड ग्रो ईएस। नाउ व्हाट इज अ वेरी बेसिक फिनोमिना, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा कि एक मिसफोल्डेड पेप्टाइड विल देयर, HSP740 आएगा, HSP40 से बाइंड कराएगा, ATP की हाइड्रोलिसिस होगी, फोल्डिंग होगी, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर काम करेगा, फोल्डेड प्रोटीन इधर, और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। व्हाट अबाउट 61? 60 के एक हेप्टेट रिंग पे, पहला जो हेप्टेट रिंग है यहाँ पे, इसमें जैसा बताया गया था जस्ट लाइक 2 हेप्टेट रिंग, इस तरीके से हेप्टेट रिंग होता है। ठीक है, इसमें आएगा और जुड़ा, इसके बाद कवर अप किया क्या, HSP10 विच इज नोन एज कोचैप्रोनिन, इसी को हम बोलते हैं कोचैप्रोनिन। एंड दिस पर्टिकुलर केस लाइक ATP विज हियर बाइंड, हियर बाइंड क्या, ATP हाइड्रोलिसिस हुआ, कितने ATP, एक दो नहीं, 7 ATP होगा। यहाँ पे सिर्फ 1 ATP यूज हो रहा था, यहाँ पे 7 होगा क्योंकि सारे के सारे 7 इंडिविजुअल 1 2 3
4, 5, 6 and 7, 7 ATP चाहिए। बाइंड किया, प्रोटीन फोल्ड हुआ, फोल्ड होने के बाद फोल्डेड प्रोटीन निकला, फिर अब नया प्रोटीन कहाँ आएगा, नीचे वाले कॉलम में, फिर से को चेप्रोनिन, क्योंकि एक होता है HSP60 के दो यूनिट होते हैं और इसके वन होते हैं, इसी वजह से ये वापस से यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके के केसेस बार बार साइकिल चलती रहेगी। सो रिलीज इज देयर DNA के, और अगर उस पर हम बात करें तो दिस देखिएगा बहुत सीधा सा है पंगा, दिस इज़ लाइक यहाँ पे रिलीज और उसमें किस HSP70 या DNA के एक ही जैसे हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है जो 10 वाला और 70 और 40 या K और J की बात करें। तो जैसे देखिएगा HSP70 DNA के यहाँ पे क्या करेगा कि ये है एक्सचेंज वाला, ATP एक्सचेंज करेगा ATP से, बाइंड किया यहाँ पे ATP, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, DNA J हाइड्रोलिसिस कराएगा या HSP40, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर ये आएगा होल्डिंग करेगा। इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी रिलीज और होल्डिंग के लिए। तो दीज आर द केसेस, HSP40 इज इक्वल टू द DNA J एंड HSP70 DNA के, 60 फॉर ग्रो EL एंड 10 फॉर द ग्रो ES। दिस इज द मॉलिकुलर चैप्रॉन्स जो कि यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन डेनेचुरेशन के बारे में ना। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, जहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होके टर्सरी और क्वार्टरनरी बना रहा था, यहाँ पे क्वार्टरनरी या टर्सरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर यूज होकर डीनेचरिंग एजेंट, किसी एजेंट की वजह से वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो जा रहा था। प्रोटीन डीनेचुरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटीन डिग्रेडेशन, बिकॉज इन द प्रोटीन डीनेचुरेशन देर इज नो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक, बट इन द प्रोटीन डिग्रेडेशन देर शुड बी द ब्रेक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। डीनेचुरेशन में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कोवेलेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड इन नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, वॉन्डर वॉल एंड आयनिक इंट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें ब्रेक होंगे। सो ये सारे बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे आपके इन पर्टिकुलर केसेस में। इसके अलावा जो है कि प्रोटीन डिनेचुरेशन के लिए सीधी सी बात है कई सारे एजेंट्स यूज होते हैं। इट कैन बी लाइक फिजिकल एजेंट दैट कैन ब्रेक द नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक वॉल्स, सम यूरिया, जितने भी यूरिया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, ये क्या करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को चेंज करेंगे, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस को, हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करेंगे, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस को तोड़ेंगे। जितने भी डिटर्जेंट्स है, चाहे वो आयनिक डिटर्जेंट्स हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस हो, जितने भी मेटल्स हो, बिकॉज डिटर्जेंट जनरली आयनिक होते हैं, चाहे एनायनिक हो, चाहे कैटायनिक हो, जैसे SDS एनायनिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर्स हो सकते हैं, मेटल्स आयनिक फॉर्म होते हैं, अल्टीमेटली दे विल अफेक्ट द आयनिक इंट्रैक्शंस। एंड एक ऐसा रिएजेंट विच इज नोन एज बीटा मरकैप्टो एथेनॉल, दे विल ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड कोवेलेंट इंट्रैक्शंस को तोड़ने वाला यही होता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो बात की गई थी इन द डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज बीटा मरकैप्टो एथेनॉल, दैट द रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोला जाता है बीटा मरकैप्टो एथेनॉल। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोफोबिक को तोड़ने के लिए ज़्यादातर जो होते हैं कुछ आपके सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, जैसे यूरिया, जैसे टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें। वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शंस आयनिक इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। आयनिक इंट्रैक्शंस के लिए ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं डिटर्जेंट्स, इसके अलावा जो होते हैं वो आपके मेटल्स और एसिड एंड बेस, दीज आर द थिंग्स फॉर द प्रोटीन डिनेचुरेशंस। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।